नमस्कार, वाव फैक्ट्स में आपका स्वागत है और एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर एक और शानदार वीडियो आपके लिए। जी, आज हम बात करेंगे एयर इंडिया की। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एयर इंडिया बिक गया है, मतलब एयर इंडिया को भारत सरकार ने बेच दिया है। लेकिन वास्तव में एयर इंडिया के साथ हुआ क्या है, टाटा ने आखिर एयर इंडिया को अपने कब्जे में कैसे ले लिया है, कैसे खरीद लिया है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही आज हम आपको बताने जा रहे हैं एयर इंडिया के इतिहास के बारे में कि आखिर इसकी शुरुआत किसने की, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि टाटा जिसने एयर इंडिया को खरीद लिया है उनकी आखिर सफलता का राज क्या है। तो फिर एंड तक बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, एयर इंडिया हमेशा से ही एक सरकारी कंपनी रही है। 1932 में जेआरडी टाटा ने टाटा एयरलाइंस के नाम से इसे शुरू किया था। शुरू में ये कराची से मद्रास तक वीकली फ्लाइट सर्विस मुहैया कराती थी, जो अहमदाबाद और बॉम्बे होते हुए जाती थी। साल 1948 में भारत सरकार ने इसमें 49% हिस्सेदारी खरीद ली। 1953 में सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास करके जेआरडी टाटा से मेजोरिटी हिस्सेदारी खरीद ली। फिर इसका नाम बदलकर एयर इंडिया इंटरनेशनल कर दिया। अब सवाल उठता है कि वापस टाटा को कैसे मिली एयर इंडिया। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ की बोली लगाई, जबकि स्पाइस जेट के संजय सिंह ने 15,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। सरकार ने इसका रिजर्व प्राइस 12,906 करोड़ रुपए तय किया था। पिछले 2 दशकों से एयर इंडिया के निजीकरण की कोशिश की जा रही थी। इस दौरान सरकारें बदली मगर इसका निजीकरण नहीं हो सका। अब टाटा सन्स ने फिर उसे खरीद लिया है, और लोगों का कहना है कि एयर इंडिया को टाटा सन्स ने खरीदने के बाद एयर इंडिया की घर वापसी हो गई है। अब सवाल उठता है कि बेचने का फैसला क्यों लिया गया। भारी भरकम कर्ज से दबी एयर इंडिया को कई साल पहले से ही बेचने की योजना बनाई जा रही थी। इस सरकार में नहीं, इससे पहले भी एयर इंडिया को बेचने की कई बार सोच को सबके सामने पेश किया गया था। 2018 में 76% हिस्सेदारी बेचने के लिए बोली मंगाई गई और मैनेजमेंट कंट्रोल अपने पास रखने की बात कही गई थी, लेकिन बात नहीं बनी। जब इसमें किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई तो सरकार ने मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ साथ इसे बेचने का फैसला कर लिया। टाटा समूह को एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी मिल गई है। वहीं विस्तारा एयरलाइंस, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड का एक जॉइंट वेंचर है। इसमें टाटा सन्स की 51% हिस्सेदारी है, तो सिंगापुर एयरलाइंस का स्टेक 49% है। अगर एयर एशिया की बात करें तो इसमें टाटा सन्स की हिस्सेदारी 83.67% है। अब सवाल उठता है कि इतने पैसे इन लोगों के पास आते कहां से हैं। तो भैया, आपको सफल होने के लिए कुछ मंत्रों का जाप करना चाहिए। अरे वो वाले मंत्र नहीं, अपनी जिंदगी में कुछ मंत्र आपको लगा लेने चाहिए। वो मंत्र है सिर्फ काम को तरजीह देना, मतलब इम्पोर्टेंस देना, काम को पूजा की तरह पूजना, दूसरों पर भरोसा सोच समझ के करना और उनका सम्मान करना, अपने वादे से नहीं मुकरना, और साथ मिलकर चलने की जो एक आदत डालना होता है वही आपको आगे ले जाती है। अब मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ। सिर्फ काम करने को तरजीह देने से मेरा मतलब क्या है कि भारत के कई औद्योगिक घरानों के साथ होता है कि वो उद्योग के साथ साथ राजनीति में भी दिलचस्पी लेने लग जाते हैं, लेकिन टाटा ग्रुप और खास तौर से रतन टाटा इन चीजों में हमेशा नहीं जाना चाहते। उन्होंने हमेशा अपने जीवन में काम को ही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस दी है, सबसे पहले उनका काम आता है। दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है जो रतन टाटा करते हैं, काम को पूजा की तरह करते हैं। रतन टाटा के लिए काम करना केवल काम नहीं होता है। उनका कहना है कि काम तभी बेहतर होगा जब आप इसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे और इसको ही भगवान मानकर इसकी पूजा करेंगे। अगली बात जो मैंने आपको बताई वो थी दूसरों को पूरा सम्मान देना। रतन टाटा को निजी तौर पर जानने वालों का कहना है कि वे हमेशा ही शांत और सौम्य बने रहते हैं। वे अपनी कंपनी के छोटे से छोटे कर्मचारी तक से बड़े प्यार से बात करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में छोटे और बड़ों का सम्मान करना शुरू कर देंगे तो यकीनन सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। एक बात और आपको बताई कि अपने वादे से कभी मुकरते नहीं है टाटा। रतन टाटा का मानना है कि चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको अपने वादे से कभी मुकरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो वादे से मुकर जाते हैं वो विश्वास खो देते हैं। और बिजनेस में अगर आप तरक्की चाहते हैं तो लोगों का विश्वास आपको सबसे पहले जीतना होगा। जब भी हम ब्रांड की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले विश्वास लोगों के दिल में पैदा करना होता है, क्योंकि किसी भी वादे का टूटना आपके काम को नुकसान पहुंचा सकता है। उनका कहना है कि चाहे जितनी ही दिक्कतें क्यों ना आए, लेकिन वादा अगर कर दिया तो उसे पूरा जरूर करना चाहिए। और अगली बात जो मैंने 5वीं आपकी बताई, जो टाटा को
बहुत ज्यादा बड़ा टाटा बना देती है वो ये है कि रतन टाटा का कहना है कि सफलता पाने के लिए शुरुआत भले ही अकेले की हो लेकिन मुकाम तक पहुंचने के लिए लोगों के साथ की बहुत जरूरत होती है। इसलिए अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ में लेकर चलें लोगों को, अपने साथ बनाकर रखें, अकेला सफर तय करना मुमकिन नहीं होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, और वाफ एक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।